विश्व विख्यात सोनपुर मेला में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक मेले का एक कैंपस है, ग्राम क्राफ्ट बाजार। इसमें बहुत तरह के सिल्क आर्ट और पेपर मैसी और सिक्की आर्ट और कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें लोग आ रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। अभी हम एक स्टॉल पे खड़े हैं जहाँ पे सिक्की आर्ट का काम किया जा रहा है और लोग इसे काफ़ी सराह रहे हैं। और हमारे सामने एक कलाकार है जो जिसका आयोजन कर रहा है। कलाकार से हम बात करना चाहेंगे, किस तरह से सिक्की आर्ट लोग आ रहे हैं, किस तरह से वो इसे देख रहे हैं और इस बार का क्या है, सिक्की आर्ट की क्या विशेषता है। कुल मिलाकर के ऐसा देखा जा रहा है कि मेले में लोक कलाकृति को भी सराहा जा रहा है, लोग काफी से सराह रहे हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि सिक्की आर्ट का यहाँ पे भगवान बुद्ध बनाया गया है, गोलघर जो बिहार का गौरव है उसे भी सिक्की आर्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेले में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो इसे काफ़ी मतलब इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसे परचेज करके अपने घर भी ले जा रहे हैं। और जैसा एक कलाकार महोदय बता रहे हैं कि इस बार मेले में जो है कि यह पहली बार जो है कि सिक्की आर्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार की जो लोक कला है उसे आगे प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है वो काफ़ी सराहनीय है। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक दर्शनार्थी है, उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आया, वो किस तरह से आया। मेला में अभी तक आपको क्या आयु, जब आपने मेले में प्रवेश किया तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ दिखी जो आपको काम कर रहे हैं? यहाँ के तो ऐसे हाथी का मेला जो होता है सबसे मशहूर है, तो हम लोग यहाँ से हाथी भी ले जाएंगे। क्या बात है, दर्शक जो हैं हाथी ले जाने की भी बात कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कई सालों से हाथी यहाँ पर मेले में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार हाथी मेले में आ गया है, मेले की शोभा कहीं ना कहीं वापस लौटी है। हमारे साथ एक सज्जन और है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से मेला जो है इस बार तैयार किया गया है वो कितना आकर्षक है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी चीज़ आपको आकर्षित कर रही है मेले में? आपको हाथी कई सालों से यहाँ पर नहीं आ रहा था मेला, मेले में कहीं ना कहीं लौट गई है हाथी का यहाँ, कहीं ना कहीं दर्शक सराह रहे हैं कि मेले की शोभा जो लौट गई थी वो फिर से वापस आ गई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको और भी कई सारे स्टॉल्स हैं वहाँ भी लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विश्व विख्यात सोनपुर मेला के माध्यम से हमारी लोक कला को प्रमोट किया जा रहा है और हमारे बिहार के कई जिलों से लोग आ रहे हैं और इसकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। यूँ तो आपने मेले बहुत देखे होंगे और मेले में घूम कर लुत्फ भी खूब उठाया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मेले के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व में मशहूर है। हम बताने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के बारे में। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर साल बिहार के वैशाली जिले में आयोजित होता है। इसकी खासियत यह है कि देश का यह सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है, जहां बड़ी संख्या में जानवरों और पक्षियों की खरीद बिक्री की जाती है। बिहार के सारण जिले में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला रविवार को शुरू हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सारण जिले के सोनपुर में हर साल लगने वाला यह मेला मुख्यतः पशु मेला है, जिसमें आम तौर से पशुओं की खरीद बिक्री होती है। ये मेला आधिकारिक तौर पर इस साल 10 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को आधिकारिक तौर पर इस मेले का उद्घाटन किया। इस बार इस मेले में खास बात यह है कि हाथियों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिस वजह से इस बार लोग हाथियों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये तो इतिहास ही है और प्राचीन काल से यहाँ हाथी आता है, ये नया पर हाथी यहाँ नहीं आता है। और यहाँ का इतिहास है, गज ग्रह का युद्ध हुआ था और गज यानी हाथी ने भगवान नारायण को याद किया तो नारायण प्रगत जो है सो खाली पैर ही पहुंच गए थे इसी नारायणी नदी में और गज को जो है सो उकरण किया ग्रह से। तो ये तो प्राचीन काल से उसी समय से कार्तिक पूर्णिमा के रोज पूरे इलाके का हाथी गंगा स्नान करने सोनपुर मेला आता है। अब रहा तो 4 साल पहले की बात, तो वन विभाग के द्वारा जो भी नियम कायदा कानून है उसके तहत हाथी आना बंद हो गया। लेकिन हाथी आना जब बंद हो गया तो यह पर्यटक आना कम गया। पर्यटक जो आते हैं सोनपुर में विदेश के लोग केवल हाथी को देखने, हाथी के गंगा स्नान को देखने आते हैं, न कि न टंकी देखने नहीं आते हैं, कम्बल खरीदने नहीं आते हैं। ये हाथी के वजह से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। धन्यवाद देंगे प्रशासन को कि हम लोगों को निमंत्रण दे के बुलाया गया तब हम लोग आए हैं। और इस सारण के DM को बहुत बहुत धन्यवाद इस मेला को जमाने के लिए और ये गंगा स्नान कराने के लिए गज को ये निमंत्रण दे के बुलाया गया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे DM से। पशुओं की खरीद बिक्री और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध यह मेला इस साल 32 दिनों तक चलेगा। सोनपुर मेले में इस बार घोड़ों के साथ साथ हाथी की भी बिक्री होगी। इस मेले में खासियत यह है कि मेला पवित्र गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर आयोजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी में डुबकी लगाने आते हैं, जो इस दौरान मेले का हिस्सा भी बनते हैं। यहाँ आपको सैकड़ों तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ बिक्री के लिए लाए जाते हैं। यह भले ही पशु मेला हो लेकिन जानवरों के अलावा भी एक पर्यटक की दृष्टि से यहाँ देखने लायक काफी कुछ है। यहाँ पशु पक्षी के अलावा खाने पीने की भी काफी अच्छी व्यवस्था होती है। आप यहाँ हर तरह के खाने के साथ साथ मिठाइयों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बताया जाता है कि यहाँ की मिठाइयाँ काफी लाजवाब होती है। मेले के दौरान लगने वाले स्टॉल्स में देश के अलग अलग हिस्सों और राज्यों से आए लोग हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, पेंटिंग और पॉटरी जैसी चीजों का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम, मैजिक शो, लाइव म्यूजिक इवेंट भी आयोजित होता है। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटक खान पान का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें यहां का लोकल खाना भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि इस मेले की शुरुआत महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, जब वह गंगा पार से हाथी और घोड़े खरीदने आते थे। तोता पहाड़ी में 8.5 रुपए किलो बिकता है। कहाँ से आए हैं? हमारा घर सुल्तानपुर पता है, राजस्थान से माल लाते हैं। कितने सालों से सोनपुर मेला में आप? सोनपुर में 3-4 साल से आ रहे हैं और तो ये देखो हमारे घर ही के 8-10 साल से आ रहे हैं। इस बार कौन कौन से नस्ल की बकरी आपके पास मेला में? जमुनापारी है, सिरोही है, अलवर का है, तोता पहाड़ी है, जो नस्ल आप चाहेंगे वो नस्ल मिल जाएगा। कल कैसा? बहरहाल एक तरफ जहाँ लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वहीं यह मेला कई लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया है। यहाँ छोटे कारोबारी के साथ साथ बड़ी कंपनियाँ भी आती है और अपना कारोबार करती है। अब आपको भी इस मेले की खासियत सुनकर अच्छा लगा होगा और शायद आप यहाँ जाने की सोच भी रहे होंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको यह मेला जरूर घूमना चाहिए और इसका लुत्फ भी उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेटवर्क। कैमरामैन युवराज के साथ मैं पिंटू कुमार।